बिग बिलियंस डे स्टार्ट हो चुका है, तो आज के इस वीडियोस में बताऊंगा कि बिग बिलियंस डे में सारे स्मार्टफोन का प्राइस कितना है, कितना आपका डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपका भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उस पर आपका कितना डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर या ईएमआई पर लेना चाहते हो तो इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, और कौन कौन सा कार्ड अवेलेबल है और बेस्ट कार्ड कौन सा है जिसपे कि आपका 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस वीडियोस को कंप्लीट देखोगे तो आपको पहले जितना डील से पहले स्मार्टफोन का प्राइस था कितना कम होकर के सेल में मिल रहा है और क्रेडिट कार्ड या डिस्काउंट में आपका कितना मिला है टोटली जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो सबसे पहले यहां पे आपको एविल द बैंक ऑफर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहां पे आपको देख सकते हो तीन बेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है या एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस पे आपका 10% तक का आपका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। यहां पे नीचे में स्क्रॉल करना है और सबसे पहले यहां पे देख सकते हो हम लोग बात करेंगे स्मार्टफोन्स का। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है, स्मार्टफोन्स में देख सकते हो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैमसंग की। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, तो यहां पे आपका सैमसंग गैलेक्सी F14 5G आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यहां पे क्रेजी डील आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस वाले के अंदर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले यहां से अगर आप चाहो तो रैम रोम भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह भी चाहो तो इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो इस फोन का प्राइस पहले सेल से पहले बिग बिलियंस डे से पहले 17,499 था, जैसे ही ये आपका डील में आया यहां पे आपको 11,490 रुपए का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस पे अगर आप बैंक ऑफर देखना चाहते हो तो कौन कौन से बैंक पे आपका अवेलेबल है तो यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑल ऑफर्स एंड कूपन्स का ऑप्शन, तो इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देख सकते हो चाहे आपके पास यहां पे देख सकते हो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा तो यहां पे आपका 1500 का यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो इसमें आपका 10% तक का मिल जाएगा, और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा जिसपे आपका 5% तक का कैशबैक मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, तो गाइस यहां पे अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो ईएमआई पर या नो कॉस्ट ईएमआई पर तो कैसे चेक कर सकते हो तो देख सकते हो यहां पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डिटेल का ऑप्शन, तो आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस यहां पे देखेंगे सबसे पहले एचडीएफसी पर, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पर, उसके बाद आईसीआईसी पर, एसबीआई, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, अमेरिकन एक्सप्रेस, बीओबी, सिटी बैंक, यानी कि और नीचे में स्क्रॉल करते हो तो और भी काफी सारे आपके बैंक देखने के लिए मिल जाते हैं, अगर आप चाहो तो इन सब सारे पर भी आप आसानी से ले सकते हो। चलिए सबसे पहले बजाज फाइनेंस का बात कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा या नहीं लगेगा और कितना दिन के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको बैंक से आपको एग्जांपल के रूप में बताएंगे। देख सकते हो यहां पे अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का कार्ड है तो यहां पे देख सकते हो अगर आप 3 महीने के लिए लोगे तो आपको 3,830 रुपया देना पड़ेगा, जो कि आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, जितना फोन का प्राइस है उतना ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 6 महीने के लिए लेते हो तो 1915 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा, जो कि 6 महीने तक है, और इस पे भी आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, जितना फोन का प्राइस है उतना ही आपका बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन से भी मिल जाएगा। तो गाइस यहां पे देख सकते हो अगर आप चाहो तो एचडीएफसी पर चेक कर सकते हो। तो गाइस अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो कांग्रेचुलेशन, आपको देख सकते हो अगर आप 3 महीने के लिए लोगे तो आपको पर मंथ ईएमआई पे करना पड़ेगा 3,830 रुपया, जो कि इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा नो कॉस्ट ईएमआई पर, जितना फोन का प्राइस है उतना ही यहां पे लगेगा। ऐसे ही अगर आप 6 महीने के लिए लोगे तो यहां पे 1915 रुपया पे करना पड़ेगा, एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। अगर आप 9 महीने के लिए लेते हो, जी हां दोस्तों आपने सही सुना, तो 9 महीने पे भी आपको 1277 रुपया जितना फोन का प्राइस है उतना ही लगेगा, लेकिन यहां पे अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो तो आपका 1043 रुपया पर मंथ पे करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी कि आपका 11,490 रुपया का फोन का प्राइस है तो 12 महीने के अंदर 16% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका 12,510 रुपया देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही ज्यादा आप बढ़ाओगे तो रिपेमेंट का समय, तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि आपको यहां पे 9 महीने तक ले सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई पर और आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहां पे भी दे सकते हो, इंटरेस्ट रेट के नाम पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना तक लेते हो तो एक
भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, जितना फोन का प्राइस है उतना ही आपको देना पड़ता है, एक भी रुपया आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो देख सकते हो, चाहे आपके पास ICICI का भी होगा तो इसमें भी सेम आपको 3 महीने तक आपको नो कॉस्ट EMI पर मिलेगा, 3 महीने 6 महीने और 9 महीने जितने फोन का प्राइस है उतना ही, और आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको ये 3 महीना 6 महीना और 9 महीने तक मिलेगा। लेकिन अगर 12 महीना 18 महीना 24 महीना के लिए लेते हो तो 15% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है। फोन का प्राइस हमेशा जितना आप मंथ बढ़ाओगे उतना ही आपका रिपेमेंट का टाइम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आप एक एक पर चेकआउट कर सकते हो, आपका एक्सिस पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सैमसंग का समझ में आ गया होगा, ये भी जो आपका स्मार्टफोन है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है, और आप चाहो तो इस स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जिसका नाम है मोटोरोला E13, जी हां दोस्तों आपने सही सुना, इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूं इस पे आपका टॉप डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। इस वाले पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले जब सेल नहीं था तो उस समय इस फोन का प्राइस कितना था, 10,999 रुपया, लेकिन जब से सेल स्टार्ट हुआ है, जब से सेल लाइव हुआ है, यहां पे आपको 7,499 रुपया देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि टॉप डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। इसमें 8GB और रैम और 128GB आपको रोम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसमें भी अगर आप कार्ड को यूज करते हो तो यहां पे आपको ऑफर्स एंड कूपन्स वाले एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही इस पर क्लिक करते हो यहां पे कुछ ऑप्शन आएंगे। अगर आपके पास यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस पे आपको 10% तक का आपको देखने के लिए मिल जाता है डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और सिटी बैंक का तो इस पे भी आपको 10% तक मिलेगा, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस पे आपको 5% तक का आपका मिलेगा, अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का, जी हां दोस्तों आपने सही सुना, तो कोटक महिंद्रा बैंक है तो इस पे भी आपको 10% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी कि आपको कम से कम ये भी प्राइस में आपको स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो नो कॉस्ट EMI पर या EMI पर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो यहां पे आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही डिटेल पर क्लिक करोगे देख सकते हो, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, बजाज फाइनेंस शॉप का कार्ड है तो बजाज फाइनेंस शॉप पर ले सकते हो, HDFC बैंक पर ले सकते हो, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पर ले सकते हो, ICICI पर ले सकते हो, एक्सिस बैंक पर ले सकते हो, SBI पर ले सकते हो, BOB पर ले सकते हो, अमेरिकन पर ले सकते हो। तो नीचे में स्क्रॉल करोगे तो और भी काफी सारे अगर आपके पास कार्ड है बैंक के तो आपका यहां पे आसानी से मिल जाएगा, देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस शॉप का कार्ड है तो आप आसानी से 3 महीने तक लोगे तो पर मंथ EMI आपको 2500 देना पड़ेगा, जो कि नो कॉस्ट EMI पर, और आपको 7,499 रुपया पे करना पड़ेगा जितना फोन का प्राइस है। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कोई भी अदर बैंक से लेते हो, HDFC के अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इस पे आपका नो कॉस्ट EMI पर यानी 0% इंटरेस्ट रेट पर नहीं मिलेगा, देख सकते हो। 3 महीने के लिए लो, 6 महीने के लिए लो, 9 महीने या 12 महीने के लिए लो, जिसपे आपका 16% इंटरेस्ट रेट लगेगा ही लगेगा, यानी कि जितना फोन का प्राइस है उससे आपका ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो यदि अगर आपके पास बजाज फाइनेंस शॉप का कार्ड है तो नो कॉस्ट EMI पर आपके लिए ये स्मार्टफोन मोटोरोला का बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। अगर आप चाहो तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट फोन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है ओप्पो रेनो 10 5G, जी हां दोस्तों आपने सही सुना, इसकी अगर रैम की मैं बात करूं तो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है, 6.7 इंच का आपका डिस्प्ले फुल HD देखने के लिए मिल जाता है, 5000mAh का बैटरी, 64+32+8 यहां पे रियर कैमरा मिल जाएगा, और फ्रंट कैमरा आपका 32 MP का मिल जाता है। इसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो यहां से कलर वगैरह चाहो तो चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। सेल से प्राइस इसका प्राइस था आपका 38,999 रुपया, लेकिन जब से बिग बिलियंस डे सेल लगा हुआ है तो यहां पे 32,999 रुपया आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इसमें भी आपका अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो सबसे पहले अगर यूज करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड को तो यहां पे ऑफर्स एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 5% तक का ऑफ मिलेगा, यदि अगर आपके पास ICICI का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो इस पे आपका 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है फिर भी आपको यहां पे 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो डिस्काउंट लेकर के इस फोन को प्राइस का कम करा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नो कॉस्ट EMI पर या EMI पर लो तो यहां पे आपको डिटेल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पे HDFC बैंक से, बजाज फाइनेंस शॉप से, फ्लिपकार्ट से, ऐसे ही आपको काफी सारे बैंक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपके पास इनके बैंक
का कार्ड है तो आसानी से ले सकते हो। लाइक फर्स्ट में आपका आता है बजाज फाइनेंस ऑफ, अगर आपके पास बजाज फाइनेंस ऑफ का कार्ड है तो आप आसानी से ले सकते हो। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो। देखो कभी भी अगर आप बजाज फाइनेंस ऑफ जो फोन में अवेलेबल होता है उस पर आपका नो कॉस्ट ईएमआई पर फोन मिलता है, यानी कि जितना फोन का प्राइस है उतना ही आपको पे करना पड़ता है, एक भी रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं करना। देख सकते हो अगर आप 3 महीने के ले लोगे तो 11,000 पैसे पे करने पड़ेंगे जो कि नो कॉस्ट ईएमआई पर मिलेगा, और टोटल फोन का प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाता है, जितना है उतना ही लगेगा। 6 महीने के लिए लोगे तो आपको 5,500 रुपया पे करना पड़ेगा जो कि एक भी रुपया पैसे एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एचडीएफसी का लेते हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा समय के लिए मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट आपका 16% आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 महीने और 6 महीने के लिए लोगे तो नो कॉस्ट ईएमआई पर आपका मिलेगा। लेकिन अगर आप जितना फोन का प्राइस है, अगर आप 9 महीने 12 महीने 18 महीने 24 महीने 36 महीने के लिए लोगे तो आपका यहाँ पे फोन का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, तो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही सारे कार्ड में सेम होते रहते, कोई कोई में नो कॉस्ट में मिलता है या कोई कोई में तो नो कॉस्ट में ईएमआई पर मिलेगा, कोई कोई में नहीं भी मिलेगा, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट फोन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है Realme 11 Pro 5G, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इसकी रैम रोम की मैं बात करूं तो 8GB रैम और 256GB आपको रोम देखने के लिए मिल जाता है। 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। 5000mAh का बैटरी और 200MP का OIS कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, प्लस में 8 कर दो और प्लस में 2। और फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं तो 32MP का आपका फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त मेरे को पर्सनली ये स्मार्टफोन लगा। देख सकते हो जब अभी सेल नहीं था तो 29,999 रुपया फोन का प्राइस था, जब से सेल लाइव हुआ है इसका 25,999 रुपया आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसका भी अगर मैं चेक करूं कि कार्ड पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको यहां पे ऑल ऑफर्स या कूपन वाले ऑप्शन, एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइस यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। यदि अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहां पे 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का या सिटी क्रेडिट कार्ड होगा तो यहां पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो 5% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का होगा तो इस पे भी आपको 10% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इतने पैसे अभी आपके पास नहीं है लेकिन ये फोन आपको पसंद आ जाता है तो इसमें आपका नो कॉस्ट ईएमआई या ईएमआई का भी अवेलेबल है, तो यहां पे आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने हैं। और गाइस यहां पे देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, बजाज फाइनेंस ऑफ का कार्ड होगा, फ्लिपकार्ट एक्सिस का होगा, आईसीआईसी का, एसबीआई का, एक्सिस का, और भी नीचे में स्क्रॉल करोगे तो काफी सारे बैंक देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइक फर्स्ट में एग्जांपल के रूप में बताऊं, देख सकते हो एचडीएफसी का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप कैसे ले सकते हो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसके बाद सारे बैंक में सेम नियम है। तो यदि अगर आपके पास एचडीएफसी का है तो 3 महीने और 6 महीने के लिए लोगे ना ईएमआई पर तो आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है, जितना फोन का प्राइस है उतना ही आपको पैसे पे करने हैं। लेकिन अगर आप 9 महीने 12 महीने 18 महीने और 24 महीने लोगे तो जितना फोन का प्राइस है उससे दोगुना आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो आपको सोच समझ करके लेना है। लेकिन कांग्रेचुलेशन सबसे पहले जिनके पास बजाज फाइनेंस ऑफ का कार्ड है, जी हां दोस्तों आपने सही सुना, तो इसमें आपका 3 महीने और 6 महीने के लिए आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर, यानी जितना फोन का प्राइस है उतना ही आपका पैसा लगता है, एक भी रुपया इंटरेस्ट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 3 महीने के लिए लोगे तो फिर भी आपका इसमें आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। तो सेम इसी तरीके से आपके सारे क्रेडिट कार्ड पे आपका देखने के लिए मिल जाता है, किसी पे कम तो किसी पे ज्यादा होता रहता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट फोन की अगर मैं बात करूं जो कि आपका फोको की तरफ से आता है, जिसका फोको F5 5G देखने के लिए मिल जाता है, जी हां दोस्तों आपने सही सुना, इसकी अगर वेरिएंट की मैं बात करूं 8GB 256GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है, 6.67 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है, और आपका यहां पे 5000mAh का बैटरी और 64MP का OIS और प्लस में आपका 8+2 आपको देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रंट आपका मैं बात करूं तो 16MP का आपका कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इस भी फोन का अगर आप चाहो तो वेरिएंट और कलर वगैरह यहां से चेंज आउट कर सकते हो। देखो इस फोन का प्राइस पहले 34,999 था लेकिन डील में आपका 22,999 रुपये का मिल रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हो तो यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर आप पेटीएम के थ्रू आप बाई करते हो तो इसमें आपका 100 रुपया तक आपका कैशबैक मिल सकता है। अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो यूपीआई के थ्रू करो फ्लिपकार्ट पर, और अगर आप कैशबैक चाहते हो एक क्रेडिट कार्ड में तो यहां पे फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड के थ्रू आप कैशबैक ले सकते हो। अगर आपके पास आईसीआईसी का है फिर भी आपको इस पे आपको मिल सकता है 10% तक का। देखो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि ईएमआई पर या नो कॉस्ट
ईएमआई पर मिले, तो यहां पे आपको डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस यहां पे काफी सारे ऑप्शन आएंगे, आईसीआईसी बैंक आता है, एचडीएफसी का आता है, फ्लिपकार्ट एक्सिस का आता है, और भी आपको काफी सारे नीचे में स्क्रॉल करते जाओगे तो आपका बैंक का देखने के लिए मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। लाइक अगर आप आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड है आपके पास और तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहां पे आप देख सकते हो अगर आप 3 महीने के लिए लेते हो स्मार्टफोन तो जिसमें आपका 7872 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका फोन का प्राइस से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी कि जितना फोन का रिपेमेंट का समय बढ़ाओगे उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। आप 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के ले लोगे तो फोन का प्राइस था यहाँ पे 22,999 रुपया, लेकिन 24 महीने के अंदर टोटल पैसे पे करोगे तो फोन का 22,000, फोन से आपका 27,000 फोन का प्राइस हो जाएगा। तो आपको सेम देखने के लिए मिल जाते हैं, सारे आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आपको चाहो तो आपके पास पूरे कैश है तो आप पूरे कैश लगा करके भी आप आसानी से और इजी वे में किसी भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि आपको क्रेडिट कार्ड पर और आपको कम से कम डिस्काउंट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसके बाद कोई भी डाउट होता है कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।